must say this pick is पैक्ड विथ फुल ऑफ एंजाइम्स मिनरल्स एंड यू नो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरा पड़ा है, बट वो तो साइंटिफिकली पूरे वर्ड्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए। इन शॉर्ट मैं ऐसे बोल सकती हूँ, फाइन फेशियल हेयर को रिमूव करना है, चेहरे को हेल्दी रिजुवेनेट करना है, रिपेयर करना है या तो इवन करना है, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटर करना है, देन ये पैक आप ज़रूर यूज़ करना, मूंग दाल का पैक। इसको लगाने का और निकालने का तरीका टोटल अलग है, तो वो ज़रूर देखना। हे ब्यूटीफुल पीपल, सो कैसे हो आप सब, केम छो तमे, आई होप कि आप सब मस्त होगे, ठीक होगे और मजा मोगे। आज का पैक मुझे पता है कि आप सबको पसंद आएगा और इसे ट्राई करने के बाद आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर थैंक्स ज़रूर बोलने वाले हो। आप सोचेंगे कि दीदी ऐसा कौन सा पैक आप बताने वाले हो, तो चलिए यहाँ पर मैं कोई यू नो सस्पेंस क्रिएट नहीं करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। ये है मूंग दाल का पैक। सबसे पहले मैं जब छोटी थी तब मेरे मम्मी से नानी से मैंने ये पैक के बारे में सुना था, आपने भी कभी सुना होगा या तो कहीं पर पढ़ा होगा। मूंग दाल ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, ये तो कोई बताने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स विटामिन्स एंड एंजाइम होते हैं। तो ओवरऑल जो चीज़ बॉडी के लिए अच्छी होती है वही हमारी स्किन के लिए भी अच्छी होती है, वही सेम विटामिन्स एंड एंजाइम हमारी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए, इलास्टिसिटी बाउंस करने के लिए और ख़ास करके स्किन का जो ये टेक्स्चर होता है ना, इसको इम्प्रूव करने के लिए मूंग दाल काफ़ी अच्छा वर्क करती है। चाहे आपको आपके चेहरे के फाइन फेशियल हेयर यानी छोटे छोटे फाइन फेशियल हेयर को दूर करना है, चेहरे के खड्डे को आपको यू नो ट्रीट करना है, दाने को आपको ट्रीट करना है, ड्राई स्किन को ट्रीट करना है, या तो आपको रिंकल्स यानी स्किन में जो प्री मेच्योर एजिंग के निशान आने लगते हैं ना उसको दूर करना है ना, तो सारी चीज़ों के लिए ए टू जेड स्किन इश्यू के लिए मूंग दाल बेस्ट होती है। तो चलिए ये पैक कैसे बनाना है ना वो मैं आपको बता देती हूँ, बट उससे पहले अगर आपको मेरे आइडियाज़ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। ऐसे ही अच्छे और नए टॉपिक के ऊपर, नए आइडियाज़ के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने जो मूंग दाल की पेस्ट है ना वो रेडी की है। डायरेक्टली अगर आप मूंग दाल को मिक्सी में उसका पाउडर बना लोगे ना, वो थोड़ा सा दरदरा बनेगा और चेहरे के ऊपर लगाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, या तो जब आप उसको यूज़ करोगे ना तो आपकी स्किन रेड पड़ जाएगी, या तो स्किन ना थोड़ी सी फट भी जाएगी या तो रेड भी हो जाएगी, आप समझ सकते हो, क्योंकि वो थोड़ी सी हार्श पड़ती है। अगर आप डायरेक्टली मूंग दाल को चेहरे के ऊपर लगाओगे तो आपको करना क्या है कि एक चम्मच आपको मूंग लेने हैं, जो ग्रीन ग्रेम हम जिसको बोलते हैं, एक चम्मच मूंग को आपको रात को अच्छे से सबसे पहले पानी में धो लेना है। धोने के बाद आपको पूरी रात इसको भिगो कर छोड़ देना है। आपको पता होगा कि मॉर्निंग में हम स्प्राउट खाते हैं, आपको पता होगा कि ये जो सारे बीन्स होते हैं ना उसको अगर आप भिगोगे पानी में तो उसकी जो भी वेलनेस होती है, उसकी जो भी गुडनेस होती है ना, वैल्यू होती है ना, वो और भी डबल हो जाती है। जैसे मॉर्निंग में हम उठकर स्प्राउट खाते हैं अलग अलग बीन्स को, रात में हम भिगोकर फिर मॉर्निंग में हम खाते हैं ना, उसी तरीके से अगर आप मूंग को रात को भिगो दोगे ना तो मॉर्निंग में थोड़े से मोटे भी हो जाएंगे, थोड़े से फूले फूले भी हो जाएंगे और थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, तो चेहरे के ऊपर लगाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मॉर्निंग में जब उठकर मैंने ये देखा तो मूंग थोड़े से फूले फूले से हो गए थे। अब आपको करना क्या है कि मिक्सी में आपको इसकी पेस्ट बनानी है। पेस्ट बनाने के टाइम आपको 1 टेबल स्पून जितना रोज़ वाटर ऐड करना है, जिससे ये अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाए और बिल्कुल भी हार्श ना पड़े, इसीलिए हमें थोड़ा सा अच्छे से इसको ग्राइंड करना है मिक्सी में। तो मैंने जब इसको ग्राइंड कर लिया तो इस तरीके की पेस्ट रेडी हुई थी। अगर आप इसको फिंगर की मदद से छुओगे, टच करोगे, तो बिल्कुल भी इसके जो दाने हैं, इसके जो ग्रेन्यूल्स है ना, वो बिल्कुल भी हार्श नहीं है, इतने सॉफ्ट 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 हो चुके हैं ना, तो आपको चेहरे के ऊपर लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो पेस्ट है रेडी हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मूंग दाल के मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, अगर आप चाहो तो आप भी गूगल कर सकते हो। मूंग दाल हमारी ड्राई स्किन को अच्छी तरीके से रिजुवेनेट करने में, नरिश करने में और ख़ास करके जो ड्राइनेस होती है ना उसको कम्प्लीटली दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। एक चम्मच आपको दही लेना है। एक चम्मच दही में आपको 1 टेबल स्पून जितना भर के मूंग दाल की जो हमने अभी पेस्ट बनाई है ना वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। एंड यहाँ पर आपको 1 टेबल स्पून जितना बेसन डालना है। ये तीनों चीज़ों को सबसे पहले आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
ओके तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने हेयर बैंड पहन लिया है ताकि मेरे हेयर फेस पैक लगाने के टाइम बीच में ना आए। अब यहाँ पर इस तरीके से क्रीमी कंसिस्टेंसी का और थोड़ा सा दरदरा हमारा जो पैक है वो रेडी हो चुका है। इसको मैं काफ़ी पोटेंट फॉर्मूला बोलूँगी क्योंकि मूंग दाल इतना अच्छे से हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करता है। खास करके सबसे पहले आपको इसे यूज़ कैसे करना है, जब आप नॉर्मली जैसे हम फेस पैक लगाते हैं वैसे ही आप सबसे पहले लगा लीजिए, बाद में आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। देखिए मूंग में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है। अब आजकल मार्केट में काफ़ी सारे रेटिनॉल के सीरम मिल रहे हैं, विटामिन सी के सीरम मिल रहे हैं। अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, या तो आपको विटामिन रेटिनॉल का सीरम लगाने से कोई साइड इफ़ेक्ट होती है, या तो विटामिन सी का सीरम लगाने से साइड इफ़ेक्ट होती है, तो आप इस तरीके से मूंग दाल का पैक डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले जस्ट आपको घर पर यूज़ करना है, अगर आपको सूट करता है तो आप यू नो इसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें आपके कोई भी पैसे खर्च नहीं होते क्योंकि हम सबके घर में मूंग तो होते ही है, राइट। तो अगर आप यू नो थक गए हो, आपकी इलास्टिसिटी बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो रही है, आपको चेहरे को इम्प्रूव करना है, खास करके आपका टेक्सचर आपको इम्प्रूव करना है, स्किन को ब्राइटन करना है, सनटेन के निशान को आपको दूर करना है, और माउथ के अराउंड कई बार हमें डार्क पैचेस काफ़ी ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो उसको आपको दूर करना है, मूंग का ये पैक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अप्लाई मैंने यहाँ पर कर लिया है, अब निकालना कैसे है, इसको आपको एटलीस्ट 8 से 10 मिनट तक सुखाने के लिए छोड़ना है। जब ये यू नो 80% सूख जाए तब आपको सर्कुलर मोशन में इस तरीके से स्क्रब करना है, जिससे आपके चेहरे के ऊपर जो भी छोटे छोटे हेयर होते हैं या तो डेड स्किन होती है, जो भी इम्प्योरिटीज होती है, वो स्क्रब करने से हट जाते हैं। आपको ये जस्ट हफ्ते में एक या दो बार ही यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना है। स्टार्टिंग में आप हफ्ते में एक बार कर सकते हो। इस तरीके से स्क्रब करने से हमारे चेहरे की ऊपर की जो भी यू नो काली परत होती है या तो ऊपर जो भी डेड स्किन जमा हुई होती है ओवर द पीरियड इतने टाइम में वो निकलती जाती है, टेक्सचर हमारा खास करके इम्प्रूव होता है क्योंकि जो भी डेड स्किन हमारे चेहरे के ऊपर परत थी तो वो स्क्रब करने से निकल गई। तो फाइनली यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्शन भी ब्राइटर होगा और टेनिंग के मार्क्स भी हट जाएंगे। तो आपको जस्ट एक मिनट के लिए ही मसाज करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, और ध्यान रखिए कि जब भी आप मसाज करो तो काफ़ी हल्के तरीके से करो, आपके फेस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना दो। तो गाइज ये है हमारे मूंग के फेस पैक का रिजल्ट। आई नो पूरे वीडियो में मैंने मूंग दाल ही बोला होगा, बट आप समझ जाना, ठीक है। सबसे पहले ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप पर यू नो आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो ये फेस पैक को एक बार ज़रूर यूज़ करके देखना, और अगर आपको विजिबल रिजल्ट ना मिले तो डेफिनेटली वेलकम, आप मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जो भी बोलना है बोल सकते हो, या तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, बट मुझे पता है कि ये फेस पैक सही में वर्क करता है। हमारी स्किन को जो शेड है ना वो एक शेड लाइटर करने में मदद करता है, डे बाय डे आपकी स्किन को ये इम्प्रूव करेगा। हफ्ते में जस्ट आपको एक बार लगाना है, सारी डेड स्किन को निकालेगा। देख सकते हो मैंने फेस पर लिपस्टिक के अलावा कुछ भी नहीं लगाया, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द रिजल्ट। तो इलास्टिसिटी आपको इम्प्रूव करनी है, स्किन को आपको यंग दिखाना है, रेडियंट दिखाना है, और रिजुवेनेट करना है, रिपेयर करना है, तो ये फेस पैक आप सबके लिए काम का है क्योंकि ये ना हमारे चेहरे को इवन भी करता है, पिगमेंटेशन को भी निकालता है। आई होप कि आप लोगों ने थरली एंजॉय किया होगा, आपको पसंद भी आया होगा, तो एक लाइक और शेयर करके शेयर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर करना। टिल देन बाय गाइस, सी यू एंड लव यू ऑल आउट।